शाह इस्माइल शहीद शाह अब्दुल अजीज के भतीजे भी हैं और शागिर्द खास है और शाह अब्दुल अजीज के मसलक पर कायम है। मौलाना फजलिया खैराबादी वो भी शाह अब्दुल अजीज के बड़े शागिर्द हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैलान बेदात की तरफ। तो फजलिया खैराबादी से पूछा गया कि ये जो मुहर्रम में शियों की ताजिए निकलते हैं, दुलदुल होता है, घोड़ा होता है, सजा होता है, हुसैन का घोड़ा है, हुसैन का है, अली अकबर का घोड़ा है, आ रहा है, इसके साथ क्या करना चाहिए? मौलाना फजलिया खैराबादी ने कहा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि नस्बत हुसैन के साथ देखा जाए। मोमिन खान मोमिन, उसी ने पूछा है, मोमिन खान मोमिन वापस आया, शाह इस्माइल से कहा शियों के ताजिए के साथ क्या करना चाहिए? कहा मट्टी का तेल डाल के जला देना चाहिए। अजीब बात है, आप और फजल हक दोनों शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द हैं। शाह साहब ने कहा मैंने अपने तायाजान से कुरान और सुन्नत पढ़ी है और कुरान और सुन्नत का जवाब देता हूं। फजल हक क्या जवाब देता है? कहा वो कहते हैं नस्बत हुसैन के साथ है। तो शाह इस्माइल ने कहा कि वो बछड़ा जो साबिरी ने बनाया, हजरत मूसा ने इसराइलियों के सामने आग लगाकर जलाया, उसकी नस्बत किसके साथ थी? वंजुर इला इलाहे का इलाह के साथ नस्बत थी, लेकिन उसका इलाज यह है कि खिलाफ शरा है, लिहाजा जलाना जरूरी है। तू हुसैन की नस्बत रो रहा है, उधर तो रब्बुल इज्जत के साथ नस्बत पैदा की, मगर झूठी नस्बत जलाने के काबिल है, जिस तरह हुसैन के साथ ताजिए की कोई नस्बत नहीं।